वेलकम गाइस एस टी एडिटर चैनल। आज मैं जो फोटो एडिटिंग करने वाला हूँ वो एक बैकग्राउंड को करूँगा। मैंने ऑलरेडी बैकग्राउंड को रिलीज करके रखा है एंड फोटो एडिटिंग करूँगा। सबसे पहले मैंने पिक्चर में गया एंड मुझे मेरी गैलरी में जाना है। यहाँ पे मैं जो अपनी गैलरी सेलेक्ट किया हूँ, तो सबसे पहले मुझे एक बैकग्राउंड जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है वो मुझे ऐड करना है। तो यहाँ से मैं मेरा बैकग्राउंड को मैं ऐड करूँगा। ऐड करने के बाद यहाँ से मैं जो मॉडल्स की फ़ोटो है ऑलरेडी मैंने इरेज करके रखा है। अगर मैं मेरे पिक्चर में जाऊँगा तो आपको पता चल जाएगा। ऑलरेडी मैंने इरेज करके रखा है और ये मुझे फ़ोटो ऐड करना है यहाँ पे। ये दोनों भाई है। ये मैंने ये प्रॉपर ऐड कर दिया है। यहाँ से मैं प्लस एक और एक फ़ोटो ऐड करूँगा जिसमें इनका बैकग्राउंड से ये फ़ोटो मैच नहीं हो रहा है, तो उन्हें मैच करने के लिए मैंने एक चीज़ें जो मैंने रखी हुई है, यस आप ये लगती है फ़ोटो का लुक चेंज हो जाएगा। कि मैं ऑपोसिटी को छोड़ दीजिए, इसके मैं ब्लाइंड पे आऊँगा और यहाँ पर मैं मल्टी कर दूँगा। सेम मैच कर रहा है, आप देख सकते हो। ये फ़ोटो देखिए और ये फ़ोटो देखिए, एग्जैक्टली मैच कर रहा है। जो बैकग्राउंड में इफ़ेक्ट है वो फ़ोटोज़ पे भी इफ़ेक्ट आ रहा है। ये मैं यहाँ से कर दूँगा राइट। फिर मुझे क्या करना है अब, इनको मैंने इन लोगों को ऐड तो कर दिया बट इनके जो शेडो है वो मुझे करना है। तो हम साइज़ को कर देंगे 6-7 एंड ऑपोसिटी को कर देंगे बहुत ही कम और ब्रश हम ये सेलेक्ट कर लेंगे। ऑपोसिटी को कर देंगे 8। हम फोटो जूम करें एंड यहाँ पे ब्रश हम बड़ा कर देंगे। हम उनके पैर से थोड़ा सा डार्कनेस ले लेंगे, यहाँ पे भी थोड़ा हम डार्क कर देंगे। ठीक है, लाइटली करना है आपको। ऑपोसिटी को है वो लाइटली करना है वरना ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा। मुझे इफेक्ट दिख रहा है ब्लैक, कि मैं इसको ब्लैक कर रहा हूँ एंड इन लोगों को भी थोड़ा, क्योंकि वो बैकग्राउंड थोड़ा रगेड काइंड ऑफ है तो मुझे थोड़ा रगेड क्रिएट करना होगा इन लोगों को भी। यहाँ हैंड्स में आने के लिए मैं थोड़ी ऑपोसिटी कम कर दूँगा। इतना खास नहीं लग रहा, बस ये मैंने एडिट कर दिया है, यहाँ से ऐड कर दिया है। अब देख रहे हो शर्ट का शैडो आ रहा है टी शर्ट पे। सर लगना चाहिए कि मतलब हाँ एडिट है तो भी क्या हुआ, कोई राइट कर दूँगा मैं। हो गया यहाँ पे ये ऐड। अब मैं क्या करूँगा, वीडियो को मैं कर दूंगा पुश। ओके गाइस, तो मैंने ये हो गया एंड यहाँ से मैं अपना लोगो ऐड कर दूंगा। अगर आपको जानना है कि आपका खुद का भी लोगो कैसे क्रिएट करना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए।
मेरे पास बेस्ट एप्लीकेशन है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा। इनफैक्ट उस पर मैं एक वीडियो भी बना दूँगा आपके लिए। सॉरी कट आउट नहीं आना, ब्लाइंड पे जाना होता है एंड मल्टी कर देना। ये मुझे कर देना है राइट एंड ये मैं फ़ोटो कर दूंगा सेव, और सेव करने के बाद मैं इसको कर दूंगा लाइट रूम में ऐड। तो मैं वीडियो पुश कर रहा हूँ, मैंने सेव कर दिया है यहाँ पे फ़ोटो, डन। तो गाइस देख सकते हो ये फ़ोटो लाइट रूम में ऐड हो गई है। एंड यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ मुझे ऑटो पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों को लगता है ये बेस्ट है, देन मुझे तो यही लगता है। यहाँ से मैं स्लिप टोन पे आ जाऊंगा एंड अकॉर्डिंग टू फोटो का लुक देख रहे हो ये पहले, मतलब उसमें इवनिंग मोड मैंने ज़्यादा ऐड कर दिया, तो ऐसा लग रहा है ये इवनिंग मोड जैसे, सॉरी इवनिंग नहीं, मॉर्निंग मोड बोल सकते हैं, मॉर्निंग मोड अच्छा लग रहा है। ये लीजिए पहले स्काई जो था पूरा ब्लैक एंड वाइट था और मैंने पूरा ब्लू कर दिया एंड कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। स्किन टोन पे ब्राउन इफेक्ट, आजू बाजू के ब्राउन इफेक्ट एंड स्काई ब्लू, अमेजिंग लग रहा है ये। बहुत ही ईजी है सर, स्लीप टोन पे आना है आपको। अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो बैलेंस को मेन आपको मेंटेन करना होता है। अगर मैं ये बैलेंस को यहाँ पे माइनस की डिग्री पे लेके जाता हूँ तो ये सिर्फ जो फोटो के मॉडल है उस पर इफेक्ट करेगा, एंड यहाँ पे मैं आता हूँ तो ये दोनों को बैलेंसिंग रखेगा, स्क्रीन टोन पे भी एंड बैकग्राउंड में है जो आपका उस पर भी। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है एंड अकॉर्डिंग टू आपको जो सेव करना है आपको सेव कर सकते हो। आपको चेक कर, इसमें येलो टोन ज़्यादा था, अगर आप पहले की फ़ोटो पे देखोगे तो फोटो पे येलो टोन ज़्यादा था स्क्रीन पे, वो मैंने कम कर दिया। परफेक्ट, अब मैं ये से फ़ोटो कर दूंगा सेव। गाइस अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरा एक चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अभी मैंने न्यू चैनल क्रिएट किया, छोटी छोटी सी है ये सेटिंग, आप भी कर सकते हो। ये मैंने क्यों किया, बिकॉज फ़ोटो का रगेट है तो उसके काइंड ऑफ में ऐड हो रहा है। अब मैं यहाँ से फ़ोटो कर दूँगा सेव। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स करके बताइए मैं इसमें और क्या चेंजेस कर सकता हूँ आपके हिसाब से, देन वो भी मैं ऐड कर दूँगा। लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए प्लीज़ गाइस। एंड मेरे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक। इसके बाद की अगर कोई भी नेक्स्ट वीडियो होगी तो मैं आपको ईजीली, आपको नोटिफिकेशन आएगा तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो। एंड यहाँ पर ये फ़ोटो जब मैं सेव करूँगा तो आपको मेन मेक श्योर आपको यहाँ पे हाईएस्ट अवेलेबिलिटी क्वालिटी पे क्लिक करना है और आपको सेव करना है। एंड ये हो जाएगा यहाँ पे सेव, मुझे फोटो सेव हो चुकी है। अगर ये मुझे फ़ोटो का कोई दूसरा इफेक्ट चाहिए मैं कॉपी सेटिंग करूँगा, देख रहे हो ब्लू एंड ब्राउन इफेक्ट, मैं कोई मेरी दूसरी फ़ोटो जैसे ये एक फ़ोटो है अगर मैं इस पर करके पेस्ट करूँगा एक ही टच पे आपकी फ़ोटो एडिट। Okay guys, thank you so much for watching my video. Thank you so much. Thank you so much guys.